Hey guys, my name is Shihani, you are watching Live Chalimo. Welcome back to the channel. So, काफ़ी समय के बाद मैं एक ट्रिप पे चलने वाला हूँ और ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है. इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर कोई बाइकर है तो उसकी ये जो बकेट लिस्ट होती है, ड्रीम डेस्टिनेशंस होती हैं, उसमें से ये जहाँ मैं चलने वाला हूँ वो ज़रूर होगी. मैं बात कर रहा हूँ मनाली से लद्दाख की रोड ट्रिप के बारे में. एंड आई रियली होप कि आपको इस ट्रिप में मेरे साथ बहुत मज़ा आने वाला है. सो कुछ रूट ऐसा प्लान किया है कि यहाँ से मैं अपने होम टाउन में हूँ, यहाँ से मैं निकलूँगा लखनऊ. लखनऊ से मेरी शाम की रात में 1 AM की ट्रेन है टू चंडीगढ़, जो कि कलम पहुँचेंगे चंडीगढ़. वहाँ से जाएंगे हम मनाली. अब मनाली के लिए जाने के लिए दो ऑप्शन मैंने अभी डिसाइड किया है. एक ऑप्शन तो सिंपल सी बात है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, बट सेकंड ऑप्शन जो मैंने चूज़ किया है वो हो ये सकता है कि मैं वहाँ से बाइक भी रेंट कर सकता हूँ. वो वहाँ पहुँच के कल डिसाइड करेंगे और उसके बाद जब मनाली पहुँच जाएंगे तो वहाँ से हम चलेंगे डायरेक्टली लद्दाख बाइक से. तो आई रियली होप आपको ये बहुत ट्रिप बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है. तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस वीडियो, यू हैव टू स्टे विद मी एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बिना किसी देरी से. तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और मेरे को देखो छोड़ने कौन कौन आया है. ये नीलेश भैया और ये तो क्या ही है, ये खुद ही बताएंगे. बताएं क्या है आप? चलो पलटो. ये इसका नाम आदित्य है, फ्यूचर ऑफ एलआईसीज़. सो एक्चुअली ये लोग मुझे छोड़ने आए हैं और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से रेलवे स्टेशन में, लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है, और वहाँ से मेरी ट्रेन है, लेट नाइट की ट्रेन है, अराउंड 12 बजे की वो निकल चलेगी हम लोग को चंडीगढ़. ज़्यादा नहीं सोचते आगे क्या करना है, अभी के लिए वहाँ चलेंगे. ये लोग छोड़ने आए हैं तो मैं निकलता हूँ. Hours later. पहुंच गए अभी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का स्टेशन ये है. और एक्चुअली हम लोग को कुछ थोड़ा सामान लेना है, जैसे एक विंचटर टाइप का कुछ लेना है. और अभी एक फ्रेंड से बात हुई, हम लोग का एक कॉमन फ्रेंड है, वो अभी रिसेंटली गया हुआ था लद्दाख. तो उसने कुछ चीज़ें बता दी कि भाई ये सब लगते हैं ना, ये सब चीज़ें होती हैं अलग अलग चीज़ें, और कह रहा है मनाली में बहुत ईजिली मिलेगी नहीं, जो मिलेगा बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा. तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि अभी अब हो रहा है अराउंड 3 बज रहे हैं दिन के. और एक सेकेंड,
सॉरी नहीं वीडियो बनाओ जो कैमरा दिखता है वो ऐसे करता है, ऐसे बिहेव करता है कि ऐसा क्या ही हो रहा है। हाँ, तो फिर ये है कि अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ से अगल बगल जो लोकल मार्केट देखते हैं, जो मिल जाए वहाँ कुछ सामान लेंगे, कुछ खाए पिएंगे। और अभी तो मैंने सोचा है कि मैं ओवरनाइट की बस पकड़ूंगा यहाँ से मनाली के लिए रात में। आगे आगे चल। 6.5 hours later तो ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा प्लान फिर से चेंज हो गया है। अभी तक का मेरा ये प्लान था कि मैं चंडीगढ़ में रुकने वाला था, जस्ट स्टे करने वाला था, और कल मॉर्निंग में मैं चंडीगढ़ से ही डायरेक्टली बाइक रेंट करने वाला था डायरेक्टली टू लद्दाख। बट थोड़ा सा चेंज ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो बाइक रेंट मिल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली मिल रही है पर डे के अकॉर्डिंग 1200 रुपये, मतलब 1200 रुपीज़। बट वो भी इशू नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं है। बट अभी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो रिसेंटली अभी इनने विज़िट किया था मनाली से लद्दाख की बाइक से ही गए थे, उनसे मैंने बात किया। और उनसे बात करने का ये रहा कि एक्चुअल में क्या होता है, चाहे वो आप मनाली से बाइक रेंट करें चाहे यहाँ चंडीगढ़ से रेंट करें, ये दोनों बाइक्स लद्दाख में एंटर होने के बाद वहाँ पर यूज़ नहीं है। मतलब वहाँ लोकल आपके लिए अगर घूमना है बाइक से तो वहाँ से अलग बाइक को रेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि यार अराउंड यहाँ से चंडीगढ़ से मनाली अराउंड 280 किलोमीटर्स है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टायर्डनेस ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा चलना हो जाएगा बाइक से। इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, चलते हैं आज ओवर नाइट बस पकड़ते हैं, चलते हैं मनाली, और मनाली से चलने के बाद वहाँ से बाइक रेंट करेंगे। तो यही हो रहा है हमेशा सुबह से लेके कल से, इतने प्लान चेंज हो गए हैं। बट कंफर्मेशन करना भी ज़रूरी होता है, हो सकता है कि मुझे आज वो 1200 रुपये में दे रहे थे। अगर आप लोग कभी ट्रैवल करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इनको कम भी मिल जाएगा, कम भी करा सकते हैं, मगर यहाँ ऐसा कोई बेनिफिट नहीं दिखा फिर चीज़ को लेके हुए। हाँ, ये है कि अगर आपकी खुद की बाइक हो तो अगर आपकी खुद बाइक लेके अपनी आ रहे हो तो फिर तो आप पूरा लद्दाख में भी एंटर कर लो, वहाँ कोई इशू नहीं आने वाला है। मगर वैसे अगर रेंटल बाइक आएगी, जो कमर्शियल बाइक होती हैं, वो लद्दाख मेन में एंटर नहीं होती हैं जितना मुझे भी पता चला है। अब वो तो वहाँ चल के देखना पड़ेगा कितना क्या सीन है, क्या कितना अलाउ करते हैं नहीं करते हैं। तो अभी के लिए ये है कि रात की बस पकड़ेंगे हम लोग, अराउंड 10 o'clock की रात 10 PM की बस है, वो सुबह पहुँचेगी। ज़्यादा सही भी है कि रात में अपना सोते हुए निकल जाएगा, फिर मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे, फिर मॉर्निंग में एक कल जहाँ तक मैं सोच तो ये रहा हूँ कि कल स्टे करूँगा और डे आफ्टर टुमारो मैं बाइक लूँगा वहाँ से। सो चलते रहिए, मज़ा आएगा। ये चंडीगढ़ का सेक्टर 43 से यही जो यहाँ बहुत सारे बस स्टेशन है, वैसे ही सेक्टर 43 जो है यहाँ काफ़ी बड़ा है और यहाँ हर जगह की बस मिल जाती है हर तरफ के लिए। तो यहाँ से हम लोग को बस बुकिंग कराना है। ये यहाँ एक बसिंग का बुकिंग काउंटर है। इस कॉइन को कहाँ से लेके आए थे? अरे वो दुकानदार दी थी। किसकी दुकानदार? भाई एक नंबर गली वाली से। अच्छा, यही पर चंडीगढ़ में था, उसने दे दिया था। सर गाड़ी चेंज नहीं होगा, 9:30 बजे लगेगी गाड़ी काउंटर। ओके, अच्छा, सिर्फ बर्थ का भी कोई सीन होता है? बर्थ का भी आपने जो होता है इसमें से कोई 27, 28 इसमें से कोई वो है विंडो? ओके ओके ओके, थैंक यू। अरे यही है यार, यही है वॉल्वो, यही है। आ जाओ, बस सीट नंबर कौन लिखा है इसमें? अरे वो सब कुछ ठीक है, सीट नंबर कहाँ लिखा है इसमें? मेंशन कहाँ है सीट नंबर? मेंशन कहाँ है? अच्छा ये लिखा हुआ है, सॉरी। ये स्थान ग्रहण करें, हम मंदिर जाएंगे। जाइए, बैग ऊपर फेंक दो, ऊपर आएगा बैग। आ जाएगा फिर को, आ जाएगा यार, नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये अपनी बस, ये मैं, ये और यहाँ से सफर स्टार्ट होगा टू मनाली। क्या निकाल ले?
2000 years later. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मनाली. एक्चुअली यहाँ से हम लोग को नीचे एक बस स्टेशन पड़ता है जो मनाली का मेन बस स्टेशन है. वैसे एक ओल्ड बस स्टेशन भी है यहाँ पीछे, जस्ट पीछे इस मंदिर के. आपने देखो एक मंदिर है ना, इसी जस्ट पीछे. ये पूरी मॉन रोड है. तो कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर जहाँ पर हम लोग ने बस ड्रॉप की, वहाँ से हम लोग पूरा वॉक करते आए हैं अराउंड 4 किलोमीटर का ऊपर यहाँ कहाँ तक का, मॉल रोड तक का. और एक लोग मिल गए हमको, एक भाई हैं वो अमित है, रहने वाले हैं हरियाणा के. वो भी स्पेशली आए हुए हैं मनाली और चलने के लिए लद्दाख. तो अभी आ रहे हैं, मौसम चुम गए हुए हैं, तो मैं भी आ रहा हूँ, उनको मिलाऊँगा आपसे. और अभी ऐसा है कि ये वो बता रहे थे कि हाँ अभी सुबह 9 बजे से पहले लोग चेकिंग नहीं करने देते हैं, चाहे वो होटल हो चाहे हॉस्टल हो. वैसे आगे मैं अभी देखा हूँ थोड़ा सा, यहाँ मॉल रोड से थोड़ा 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास कुछ हॉस्टल्स हैं, तो अभी जाके चेक करेंगे. और बस यही है. कैसा रहा फीलिंग? इतना अच्छा है कि क्या पता चलते चलते एकदम से वो हो चुकी है. और साढ़े चार रात में कुछ मिलने वाला भी नहीं है. पूरी रोड देखिए एकदम शांत है, पूरा ये मॉल रोड एकदम खाली है, कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है. वेदर काफ़ी चेंज हुआ है, हल्की हल्की ठंडक स्टार्ट हो गई है. हाँ एक साल में घूम रहे हैं, ठंडक तो हो चुकी है. हाँ मगर काफ़ी वेदर चेंज हो गया पूरी अच्छी वाले में. तो अभी तो जैसे वेट कर रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग. कहाँ लेके जा रहे हैं उनको आप? गुड मॉर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम मनाली. सो एक्चुअली मैं ऐसा ये हुआ कल कि कल हम लोग बहुत लेट में आए, इवन आज मॉर्निंग में आए 5:30 बजे तक का. उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इधर तक घूमा हुआ, फिर मैंने सर्च किया कुछ हॉस्टल्स के बारे में. तो फिर जाके यहाँ से जो मॉल रोड है मनाली की, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर दूर अप साइड पे होडम्बा देवी टेम्पल की रोड पे यहाँ हमें एक हॉस्टल मिला. इसका नाम है हॉस्टल 363 डिग्री. और अभी पहले नीचे दिखाऊँगा बाद में, पहले ये देखो रूम. ये रूम लिया है, सिंगल रूम है, स्पेस है मतलब भर की. यहाँ साइड भी देख सकते हैं, पॉइंट्स भी दे रखे हैं. यहाँ है इधर ये वॉशरूम है, उसमें वो अजीत है. और ये व्यू देखो, ये देखो ये हॉस्टल का है, सेकंड फ्लोर पे हैं हम. और ये व्यू देखो, ये नीचे साइड में है. अब ये व्यू देखो, मतलब ये हॉस्टल की सबसे अच्छी क्वालिटी है इसका व्यू. और ये जितने भी एरिया नहीं है, ये सारे जहाँ पर वो पर्सन बैठा हुआ है, उसका नाम अमित है, हम लोग के साथ में ही आया हुआ है, वो है हरियाणा का, लास्ट मैंने बताया था वैसे. और ये पूरा एरिया देखो कितना अच्छा एरिया है. अब मैं नीचे से दिखाता हूँ, यहाँ रूम्स बने हुए हैं ऊपर. और व्यू देखो, व्यू एक्चुअल में ये थोड़ा सा अपर साइड है मनाली के. मनाली से मीन्स जो मॉल रोड है थोड़ा सा ऊपर साइड है, तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं ना कि थोड़ा साइड एरिया हो गया है. इसकी वजह से भी इसका व्यू और इसके यहाँ के लोकेशंस बहुत अच्छी हो गई है. यहाँ हर तरफ देखो, ये भी एक हॉस्टल बना हुआ है, उस साइड भी हॉस्टल्स बने हुए हैं, वो टाइगर इंडेक्स को लिखा हुआ है. अब यहाँ दिखाते हैं मैं आपको नीचे, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये भी सब रूम्स बने हुए हैं. और ये देखो, ये इनका रिसेप्शन काउंटर है. म्यूजिक चल रही है एक्स्ट्रा में, मजा आ रहा है. अब यहां से देखो व्यू, ये सब इनका ही पूरा है, मतलब कहीं भी इनका कुछ टाइट नहीं है, पूरा इन्हीं का एरिया पड़ता है पूरा. वहां वहां तक जा सकते हैं आप. ये और इसको देखो, वो कहाँ बैठा हुआ है जाकर, पूरा अच्छा ज़्यादा व्यू है, कहीं भी बैठ सकते हो. पूरी रिवर बगल में है, रिवर साइड के एरिया यहाँ से. और ये पूरा व्यू देखो ऊपर से. अच्छा अंदर बहुत एक्सपेंसिव ही नहीं है, मतलब हमने और इसने एक रूम लिया है जो कि 1000 का पड़ा है, और डबल बेड जो मैंने रूम दिखाया अभी,
और साथ में नीचे डॉर्मेट्री भी है इनकी, वहाँ पर आप हॉस्टल में बेड वाइज भी ले सकते हो, 300 rupees पर बेड पड़ता है इनके। और 24/7 ओपन रहता है, मतलब 24 घंटे ओपन रहता है। जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग में 6 AM के अराउंड चेक इन किया है, तो ये भी बहुत अच्छी खास पॉइंट वाली बात है। और मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, ये तो देखो यहाँ कितने चुप से बैठा हुआ है। किससे बात कर रहे हो? हेलो, बोलो, बात करो, दिखाओ, दिखा दे कैमरे में, ये साफ में दिख रहा है। और व्यू देखो यहाँ से, इज़न्ट इट अमेजिंग? पानी की आवाज़ सुनो, कितनी अच्छी फील आ रही है पानी की आवाज़ सुनने में। और फ्लो ही बहुत तेज है एक्चुअली, ऐसा नहीं है नॉर्मल फ्लो चल रहा है। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे, यहाँ पे एक हडम्बर अभी टेम्पल है वहाँ घूमने, और अभी प्रॉपर फ्रेश होने के बाद, और फिर शाम को बाइक्स पूरी कंफर्म करेंगे लद्दाख जाने के लिए कि क्या है कैसे है, क्योंकि कल मॉर्निंग में निकलेंगे, आज तो रिलैक्स चिल्ड हो रहा है बस। इधर भी देखो, कहीं भी जाइए आप, कह सकते हैं तीन साइड पे पूरे अच्छे खासे व्यू हैं इस हॉस्टल के।